This video is sponsored by Any Trans. Please check description for more information. तो starting से बात करते हैं, पूरा scene यहाँ पे देखते हैं कैसे Airtel जो है वो चाल चलता है, fake offers निकालता है और हम सब का यहाँ पे काटता है। तो यहाँ पे Airtel ने एक offer निकाला VoLTE ए बीटा offer, जिसमें आपको 30 GB data जो है वो free मिलेगा और इसका promotion उन्होंने SMS करके बहुत किया। तो यहाँ पे शायद आपको भी इसका SMS आया होगा और SMS में एक link है offer page का। तो ये इसका offer page है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो offer है वो 3 steps में divide है। पहले स्टेप में आपको VoLTE का स्विच ऑन करना है और आपको 10 GB जो है वो मिल जाएगा। दूसरे स्टेप में आपको 28 दिन के बाद में फीडबैक देना है और आपको बाकी का 10 GB जो है वो मिल जाएगा। और तीसरे स्टेप में आपको वापस से फीडबैक देना है और आपको बाकी का जो 10 GB है वो मिल जाएगा। यानी कि टोटल आपको 30 GB डेटा जो है वो मिल जाएगा 3 महीने के अंदर। पहले स्टेप में बेसिकली आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है और एयरटेल के सिम कार्ड का VoLTE का स्विच ऑन करना है। उसके बाद में आपको 10 GB जो डेटा है वो मिल जाएगा, जो कि मिलता भी है, बट जैसे ही आप ऑन करते हो उस वक्त नहीं मिलता है, 4-5 दिन बाद मिलता है। और कोई भी SMS नहीं आता कि आपको 4-5 दिन के बाद में मिल जाएगा या फिर VoLTE का स्विच ऑन करने के लिए थैंक यू, कोई भी SMS नहीं आता। सीधा आपको अचानक से 4-5 दिन के बाद में जो 10 GB है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लेट आता है नेट या फिर बिना बताए आता है, बट कम से कम आता तो है। अब यहाँ पे जो असली प्रॉब्लम है वो अब स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा जो 10 GB है वो खत्म हो गया, 28 दिन हो गए, तो यहाँ पे मेरे को कोई भी SMS नहीं आता, कोई भी ईमेल नहीं आता। अगला स्टेप है कि मुझे फीडबैक देना है और बाकी का 10 GB जो है वो अवेल करना है। लेकिन कैसे करूँ भाई, फीडबैक कहाँ पे दूँ, कैसे दूँ, क्या लिंक है, कोई ईमेल नहीं आता, कोई SMS नहीं आता। इतनी चिंदीगिरी, मतलब इतना कंजूस यार, इतने कंजूस कैसे हो सकता है यार, मतलब कैसे, कितनी गंदी ट्रिक लगाई है अपने बाकी का 20 GB बचाने के लिए। वही वाली बात हो गई कि आपको किसी ने शादी में बुलाया, पार्टी में बुलाया और बुलाते वक्त बोला कि यहाँ पे पिज्ज़ा होगा, बर्गर होगा, चाउमीन होगा, सिंगापुरी होगी, मोमोज होंगे, स्प्रिंग रोल होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही आप पार्टी में जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ चाउमीन होती है और बाकी के जो स्टॉल होते हैं वो छुपे हुए हैं और आपसे कहते हैं कि ढूंढ सको तो ढूंढ लो। मतलब 30 GB बोलते हो, 10 GB देते हो और बाकी का 20 GB ढूंढ सको तो ढूंढ लो। छुपन छुपाई खेल रहे हैं क्या यहाँ पे हम? लेकिन मैं ठहरा ट्रू इंडियन, तो अगर कहीं पे भी कोई भी फ्री की चीज़ मिल रही है तो मैं किसी भी कीमत पे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने इनकी साइट पे R&D करना स्टार्ट किया। मैंने इनकी साइट पे बहुत सारे URLs ट्राई करा, airtel.in/VoLTE feedback, airtel.in/4G VoLTE feedback, airtel.in/4G VoLTE/beta/feedback। बहुत से URLs ट्राई करने के बाद मुझे आखिरकार इनका जो एग्जैक्ट फीडबैक URL है वो मिल गया, मतलब airtel.in/VoLTE/feedback ये URL है और ये इसका पेज है। यहाँ पे आपको फीडबैक देनी है बाकी का 20 GB डेटा लेने के लिए। और ये पेज जो है इनकी साइट पे कहीं से भी लिंक नहीं है, मतलब कहीं पे भी ये पेज जो है वो कहीं पे भी लिंक नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ और ना ही ये पेज गूगल पे इंडेक्स करता है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो देखने के बाद मुझे पता है कि ये पेज को जो है वो सरेआम सामने लगा देंगे, बट अभी तक ये पेज कहीं पे भी नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से बहुत सारे URLs ट्राई करने के बाद ये पेज निकाला है और यहाँ पे मैंने जैसे ही फीडबैक दिया थैंक यू आ जाता है मुझे, और उसके बाद में मुझे फीडबैक देने के बाद कोई भी SMS नहीं आता वापस से और ना ही मुझे 10 GB आता है। मैंने 4-5-6 दिन वेट किया, मुझे 10 GB नहीं आया। उसके बाद मैंने कॉल किया इनके कस्टमर केयर पे 1-to-1 पे, एज एक्सपेक्टेड जो रिप्लाई आना है वो जानते हो तुम क्या रिप्लाई आएगा? सर हमें इस अपडेट के बारे में जानकारी नहीं है, हमें इसके बारे में अपडेट नहीं है, ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद मैंने इनके फेसबुक मैसेंजर पे इनको चैट किया, मैसेज किया, मैंने बहुत सारे इनको मैसेज किए, इनको बहुत कुछ भला बुरा भी सुनाया। उसके बाद जाके इन्होंने मुझे 10 GB डेटा दिया। तो कुल मिला के इस वीडियो से बेसिकली मैं सिर्फ एक ही बात आप सबको बोलना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि अगर एयरटेल कोई भी ऑफ़र देता है, कोई भी SMS आता है, कोई भी ऑफ़र देता है आपको एयरटेल, तो प्लीज़ उसको लेने से पहले, उसको ख़रीदने से पहले, उसको ट्राई करने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसमें कोई ना कोई हिडन चीज़ होगी, कोई ना कोई हिडन चिंदगिरी या फिर बोलते हैं ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई ना कोई चाल ज़रूर होगी। तो बस यार, यही थी एक एयरटेल की बहुत ही कंजूसों वाली कारस्तानी जो मैं तुमको बताना चाह रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ यार नीचे लाइक फेंक देना, कमेंट छोड़ देना, शेयर कर देना अपने एयरटेल वाले फ्रेंड्स के साथ और बताओ उनको कैसे एयरटेल उल्लू बना रहा है। और आखिर में नीचे सब्सक्राइब करो, ऐश करो और उसके बाद बाय।